नोकिया 8, अपकमिंग फ्लैगशिप नोकिया फोन्स की स्पेसिफिकेशन जो वो लीक होके आ चुकी है। जियो गीगा फाइबर मुंबई में काफी जगहों पे अवेलेबल हो चुका है और जियो अपना फीचर फोन बजट 4G वोल्टी सपोर्ट फोन जो वो बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है। शाओमी मी 6 की कुछ स्पेसिफिकेशन लीक होके आ चुकी है और साथ में सैमसंग गैलेक्सी S8 की और नए लाइव इमेजेज जो वो सामने आ चुके हैं। और फाइनली एसुस ने अपना एक नया लैपटॉप जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है। हेलो एवरीवन, दिस इज सुहेश एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर डेली टेक न्यूज। आज की टेक न्यूज जो वो काफी गर्म है, तो आप जरूर से इस टेक न्यूज को जो वो एंड तक देखिएगा। तो पहली खबर में आप लोगों को बता रहे थे कि नोकिया 8, जी हाँ, अपकमिंग नोकिया की फ्लैगशिप फोन की कुछ डिटेल्स यहाँ पे जो सामने आ चुकी है। हमें जैसे कि पता है कि फरवरी 27 को MWC 2017 में नोकिया अपने 4 से 5 नोकिया के एंड्रॉइड स्मार्टफोन जो वो अनवील करने वाला है। उससे पहले फरवरी 26 को नोकिया एक अपना खुद का इवेंट रखेगा जहां पे नोकिया अपने कुछ नोकिया के स्मार्टफोन जो वो अनवील करेगा। उसके अंदर से एक जो फोन है वो नोकिया 8 के नाम से जाना जा रहा है। ये फोन में बताया जा रहा है कि रूमर्ड स्नैपड्रैगन 835 का जो प्रोसेसर हो सकता है, 24 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा होगा, 12 मेगापिक्सल का इसके अंदर जो सेल्फी कैमरा होगा, 5.7 इंच की इसके अंदर जो वो कोड एचडी की डिस्प्ले हमें जो वो देखने को मिल सकती है और दोस्त के 3 स्टोरेज में शायद से आ सकता है, 64, 120 GB और 256 GB की स्टोरेज में। तो हो सकता है नोकिया का 8 ये सबसे बड़ा फ्लैगशिप फोन होगा जो नोकिया वहां पे अनवील करने वाला है, जिसके लिए हमें फरवरी 26 तक का जो वो वेट करना पड़ेगा। साथ में नोकिया 6 का एक ग्लोबल वर्जन भी जो वो टेना सर्टिफिकेशन पे लीक होकर आ चुका है। प्रीवियसली जो नोकिया 6 के फोन जो आ रहे थे वहां पे TA1000 के मॉडल नंबर के साथ में दिखाया जा रहा था, लेकिन नोकिया 6 का ये जो वर्जन है ये TA1003 के नाम से बताया जा रहा है। इसका मतलब ये कि नोकिया अपने 6 का एक ग्लोबल वेरियंट भी जो वो बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है। तो Xiaomi Mi 6 के लॉन्च होने से पहले ही बहुत बड़ी स्पेसिफिकेशंस की डिटेल्स यहाँ पे सामने जो वो आ चुकी है। बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू चाइनीज वेबसाइट के Xiaomi Mi 6 दो वेरिएंट में आने वाला है, एक जो वो नॉर्मल होगा Mi 6 और एक जो होगा Mi 6 Pro। Mi 6 Pro में बताया जा रहा है कि डुअल एच की डिस्प्ले होगी और उसके अंदर में 6 GB की रैम देखने को मिलेगी, जबकि जो नॉर्मल वाला Mi 6 होगा उसके अंदर में जो वो नॉर्मल डिस्प्ले मिलेगा और साथ में 4 GB की रैम होगी। जो नॉर्मल वाले के अंदर में 120 GB की स्टोरेज मिलेगी और जो प्रो होगा उसमें 256 GB की जो वो स्टोरेज देखने को मिलेगी। और प्रीवियसली ये तो रूमर कंफर्म्ड है कि Xiaomi Mi 6 के अंदर हमें जो दोनों के अंदर स्नैपड्रैगन 835 का प्रोसेसर जो देखने को मिलेगा और 4000 mAh की जो बैटरी होगी। Xiaomi Mi 6 वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फोन है Xiaomi की तरफ से, जो कि अपने हिसाब से बताया जा रहा है कि 20,000 rupees से इसकी प्राइसिंग जो वो स्टार्ट होगी। और मुझे नहीं लगता, हो सकता है कि चाइना में ये प्राइसिंग स्टार्ट हो, लेकिन इंडिया के अंदर मुझे लगता है जब भी फोन आएगा तो 30,000 से 35,000 rupees की प्राइसिंग ऊपर जो जा सकती है। तो सैमसंग गैलेक्सी S8 की कुछ और लाइव इमेजेस जो यहाँ पे सामने आ चुकी है। प्रीवियसली तो हमें पूरा सैमसंग गैलेक्सी S8 का ही कुछ लाइव इमेजेस आई थी और काफी रूमर आ रहा था कि ये जो फोटोशॉप थे ये कुछ चेंज करें वैसा वैसा कुछ हुआ था, लेकिन यहाँ पे अब घोस्ट टेक जो कि आईफोन और सैमसंग के कवर्स बनाते हैं, जो केस बनाते हैं, यहाँ पे उन्होंने जो सैमसंग गैलेक्सी S8 की कुछ इमेजेस लीक करी है कवर के साथ में। तो इससे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे आप जैसे कि इमेजेस देखेंगे जिसके अंदर हमें फिर से फिजिकल होम बटन जो वो मिसिंग बताया जा रहा है, जी नीचे की तरफ। इससे ये कंफर्म हो गया कि जो प्रीवियसली इमेज लीक हुआ था वो शायद से सैमसंग गैलेक्सी S8 जो वो हो सकता है। साथ में यहाँ पे डुअल कर्व एज डिस्प्ले भी जो वो देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ये घोस्ट टेक ऐसी कंपनी है जो क्या करती है कि आईफोन और सैमसंग के केसेस बनाती है और उसके पहले ही कुछ इमेजेस लीक करती है। ऑब्वियसली जब फोन आने से पहले ही फोन के साथ में कुछ केस पहले से ही आ जाते हैं, यानी कि मैं बैक कवर्स और बैक पैनल्स की बात कर रहा हूं, तो ये उसके ऊपर ही ये लोग जो वो उस टाइप के डिजाइन बनाते हैं। तो ये जो इमेजेस आई है ये 100% मुझे ऐसा लगता है कि शायद से सैमसंग गैलेक्सी S8 हो सकता है, जिसमें हमें फिंगरप्रिंट जो होम बटन होगा वो शायद से मिसिंग होगा और कुछ नए फीचर्स के साथ में जो वो आ सकता है। तो Asus ने अपना R558UQ ये जो लैपटॉप है इंडिया के अंदर आज लॉन्च कर दिया है और ये जो लैपटॉप है उन्होंने दो वेरिएंट के अंदर जो वो लॉन्च किया है। पहला जो हायर वेरिएंट है दोनों के अंदर देखा जाए तो आपको 15.6 इंच की फुल HD की डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ आपको जो रैम में और जो प्रोसेसर में, यहाँ पे जो हायर वेरिएंट है उसके अंदर आपको 2.7 GHz का इंटेल का आपको i7 का प्रोसेसर मिलता है और जो लोअर वेरिएंट है उसके अंदर आपको 2.5 GHz का इंटेल का i5 का जो प्रोसेसर मिलता है। एक के अंदर आपको जो 4 GB की रैम मिलती है जो कि लोअर वेरिएंट, और जो हायर है उसके अंदर आपको 8 GB की रैम मिलती है। दोनों भी जो एक्सपांडेबल है। आपको 2 GB का NVIDIA का G4 का 940MX का ग्राफिक कार्ड मिलता है और साथ में आपको 1 TB की हार्ड डिस्क मिलती है दोनों के अंदर। यहाँ पे आपको 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है, USB टाइप सी पोर्ट के सपोर्ट में आता है और आपको फ्रंट का VGA जो वो कैमरा मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर प्राइसिंग की बात करें तो लोअर वेरिएंट उसकी 49,000 rupees रखी और जो हायर वेरिएंट उसकी 60,000 rupees रखी। प्राइसिंग के हिसाब से ठीक ठाक है, क्योंकि एक जमाने में हम HP के लैपटॉप लेते थे तो कुछ इसी प्राइस के अंदर हमें ऐसे टाइप के कुछ स्पेसिफिकेशन जो वो देता था। तो Asus ने यहाँ पे अच्छी शुरुआत की है। अगर आपको ये लैपटॉप अगर खरीदना है तो मेरे हिसाब से आप जो वो खरीद सकते, गेमिंग वगैरह के लैपटॉप जो वो ठीक है।
तो जियो FTTH यानी कि जियो फाइबर टू द होम, ये जो सर्विस है जियो ने बताया था कि 1 GB पे इसकी स्पीड देने वाला है और जो बहुत जल्दी हमें जो वो देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे कुछ जगह पे रूमर्स भी आ रहे थे कि 3 महीना फ्री जो वो जियो दे रहा है ये सर्विस, लेकिन यहाँ पे ये रूमर्स अब जो वो कन्फर्म हो रहे हैं और मुंबई के अंदर वालकेश्वर पे और नेपेंसी रोड पे काफी जगह पे ये जो लोग है ये फ्री में जो वो जियो की 3 मंथ्स की सर्विस जो वो उठा रहे। जी हाँ, जो कि 1 GB पे इसकी स्पीड बताया जा रहा है और यहाँ पे यूजर्स ये भी बोल रहे हैं कि उनको लगभग से 70 to 100 MBPS की डाउनलोड स्पीड जो वो मिल रही है। अब यहाँ पे जियो ने धीरे 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 जो मुंबई में ये जो वो देना सर्विस शुरू किया है और यहाँ पे रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि काफी जगह पे जियो जो वो चार्ज भी कर रहा है, यानी कि उनको जो इंस्टॉल करना रहता है तो उसमें काफी मेहनत लग रही, तो उस जगह से 4 से 5 हज़ार जियो जो वो फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन चार्जेस भी जो वो ले रहा है। तो उसके बाद शायद से अगर वो एक जगह पे अपना जो वो टावर लगाता है तो उसके बाद काफी एरियो के अंदर जो वो जियो जो फ्री में दे सकता है। अब देखते हैं कि ये सर्विस कहां तक एक्सपांड होती है। शुरुआत तो मुंबई से हो चुकी है, अगर आता है और 3 महीना हमें फिर से फ्री सर्विस मिलती है तो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी बात है। अब बात करते हैं जियो फीचर फोन की। जी हां, जियो अपना एक बजट 4G वोल्टी फोन जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है जिसकी प्राइसिंग 1000 रुपीज से स्टार्ट होगी और 1500 रुपीज तक का जाएगी, जिसके अंदर हमें रियर फेसिंग कैमरा, फ्रंट फेसिंग कैमरा, सारे जियो के एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे, वीडियो HD कॉलिंग सपोर्ट होगा और वोल्टी भी सपोर्ट होगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। जियो ने ये स्कीम इसलिए निकाला था कि जियो ने ये बताया कि जो रूरल एरियाज में रहते हैं मैं चाहता हूं कि उनके भी हाथ में ये फोन आए जो कि चीप है और वो 4G वोल्टी और फास्ट इंटरनेट का जो फायदा वो जो उठा सके। यहां पे ये जो फोन है ये क्लासिक फोन होंगे जिसके अंदर हमें कीपैड भी जो वो देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली जो रूरल एरियाज में रहते हैं ज्यादा टच स्क्रीन यूज नहीं कर पाते, तो शायद से उस हिसाब से फीचर फोन होंगे जिसके अंदर हमें कीपैड भी देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी जियो ये फीचर फोन जो वो लॉन्च करने वाला है ऐसी खबरें यहां पे आ रही है। उम्मीद करते हैं जनवरी की एंड में या फिर शायद से फरवरी की स्टार्ट में हमें जियो के ये फीचर फोन जो वो देखने को मिल सकते हैं। अब से हमें जो वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो एड्स देखने को मिलेंगे। जी हाँ, जैसे कि हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं वहां पे एड्स आती है और प्रीवियसली फेसबुक ने भी कुछ अनाउंसमेंट किया था कि वो अब से जो वो एड शेयरिंग जो फीचर है वो बहुत जल्दी लाने वाला है। फिलहाल के लिए US में और धीरे धीरे ऑल ओवर द वर्ल्ड फेसबुक अपनी एक ऐसी सर्विस लाएगा जहां आपके उसके ऊपर जो भी वीडियोस आएंगे उस पर जो वो एड्स आएगी और उससे हम जो वो रेवेन्यू कमा सकते हैं अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो ये धीरे धीरे ये भी आपको उसकी भी जो वो डिटेल दे दूंगा। लेकिन अब इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो एड फीचर आ गया है। जी हाँ, यहाँ पे इंस्टाग्राम की स्टोरीज अगर हम जब देखते हैं, जहाँ पे आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आपको पता होगा वहां पे जब भी आप किसी की स्टोरीज पे जाके देखेंगे तो वहां पे आप जो एड्स दे सकते हैं। जी हाँ, एड्स मतलब यानी कि आप जब स्वाइप करेंगे तो बीच में एक रैंडमली एड्स आ जाएगी। तो इससे जो वो इंस्टाग्राम भी खुद अभी नए फीचर जो वो ला रहा है जहां पे उन्होंने 30 कंपनी के साथ जो पार्टनरशिप की और 30 कंपनी अपने अपने एड जो उसके ऊपर दिखाएंगे। अब यहाँ पे ये नहीं पता कि इंस्टाग्राम हमें जो स्टोरीज डालते हैं हमें पैसा देगा या नहीं देगा, लेकिन इतनी खबर अभी यहाँ पे सामने नहीं आई। लेकिन इतना तो बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम ने ये फीचर अभी जो वो शुरू कर दिया है। फाइनल टेक न्यूज ले लेते हैं और फाइनल टेक न्यूज में आप लोगों को बता रहे थे कि अगर आप पेटीएम का एप्लीकेशन यूज करते हो तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, जो कि पेटीएम का एक अपडेट आया और ये बहुत ही मैसिव अपडेट है जो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले तो ये बता दो कि पेटीएम ने ये बोला कि आपसे जो लो एंड स्मार्टफोन है जो कि जिसके अंदर कम रैम है, इंटरनेट का स्पीड भी स्लो है, 2G में भी यूज करते हैं, उसके ऊपर भी आपसे जो पेटीएम का एप्लीकेशन बहुत ही फास्ट स्पीड में चलने वाला है। साथ में पेटीएम ने QR कोड का सिस्टम लाया, यानी कि अगर सामने वाले पर्सन के पास QR कोड का सिस्टम है तो आप डायरेक्टली अपने फोन से इसको स्कैन कर सकते हैं और आराम से जो ट्रांजेक्शन फास्ट वे में कर सकते हैं। साथ में जो मर्चेंट्स रहते हैं उनको जो ट्रांजेक्शन की जो लिमिट थी पहले 20,000 थी, अब आप 50,000 रुपीज तक का ट्रांजेक्शन जो वो कर सकते हैं। एक और अपडेट लाया उन्होंने फिंगरप्रिंट सेंसर का। जी हाँ, अब इसके अंदर एक बायोमेट्रिक फीचर डाल दिया, अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर है तो आप पेटीएम के ऊपर फिंगरप्रिंट सेंसर के जरिए भी जो पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट जो वो पेटीएम ने लाया है, अगर आप पेटीएम यूज करते हैं अगर आपने अपडेट नहीं किया तो पेटीएम पेमेंट बैंक के नाम से पेटीएम का ये अपडेट आया है और जाइए और उसको जल्दी से जो वो अपडेट कर दीजिए। तो आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है और उम्मीद करता हूँ आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। इसी तरीके से मैं आप लोगों को ऐसे ही अपडेटेड करता रहूंगा और मेरी तरफ से ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोस जो वो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।